गुलेरिया थाने की पुलिस ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज से अपहृत दो नाबालिग बच्चों को बरामद किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने बताया कि 24 सितंबर को सुबह 9 बजे बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर थाना क्षेत्र गुलेरिया से दो नाबालिग बच्चे उम्र करीब 7 वर्ष व 6 वर्ष के अचानक गायब होने की सूचना प्राप्त होने के संबंध में गुलेरिया थाने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान रानू गौंड पुत्र सुकट गौंड निवासी रामनगर गजरा धूस थाना रामनगर जिला बेतिया राज्य बिहार, दूसरा खुशबू गौड़ निवासी रामनगर गजरा धूस थाना रामनगर जिला बेतिया राज्य बिहार के रूप में हुई है। एसपी नॉट ने बताया कि 29 सितंबर को दोनों नाबालिग अपहृत बच्चों को सकुशल बरामद किया गया था, अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि थाना गुलेरिया क्षेत्र के अंतर्गत बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए आए वादनी मुकदमा अपने ससुर तथा अपनी माँ तथा अपने दो बच्चों के साथ अपना इलाज कराने के लिए लगभग 12 दिन पहले बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आई थी। वादनी मुकदमा के पेट का ऑपरेशन लगभग 4 दिन पहले हुआ था और वह मेडिकल कॉलेज के वार्ड नंबर 4 में भर्ती थी। वादनी की मां व ससुर दोनों बच्चों की देखभाल कर रहे थे। दिनांक 24 सितंबर को सुबह लगभग 10 बजे जब वादनी मुकदमा की मां खाना बना रही थी और बच्चे आसपास खेल रहे थे कि अचानक दोनों बच्चे कहीं गायब हो गए। परिजनों द्वारा परिसर में व आसपास दोनों बच्चों की तलाश की गई परंतु नहीं मिले। विवेचना के दौरान वादनी मुकदमा के ससुर ने बताया कि वादनी मुकदमा के पति रानू गौड़ ने दूसरी पत्नी रख लिया है व वादनी से बच्चों को लेने के लिए कई बार जबरदस्ती झगड़ा भी कर चुका है, इसलिए दोनों बच्चों को रानू गौड़ व उसकी दूसरी पत्नी ने अपहृत करके कहीं गुप्त स्थान पर ले जाकर रख दिए हैं। बच्चों को सकुशल बरामदगी व अभियुक्तगढ़ की गिरफ्तारी हेतु एक टीम वादी के घर व रानू गौड़ के घर के बाहर बिहार भेजी गई है तथा दूसरी टीम आसपास के क्षेत्रों में तलाश कर रही थी एवं अन्य विधिक कार्रवाई कराई जा रही है, जिसको देखते हुए दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में गुलहरिया थाना प्रभारी मनोज कुमार पांडे, उपनिरीक्षक शेष कुमार शर्मा, हिमांशी पांडे शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, दिनांक 24/9/2022 को थाना क्षेत्र गुलहरिया के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में प्रतिमा देवी पत्नी रानू गौड़ जो कि अपना इलाज करा रही थी, उनके दो बच्चे उम्र 7 वर्ष व 6 वर्ष अचानक गायब हो गए। इस सूचना पर थाने पर अभियोग पंजीकृत किया गया। थाना प्रभारी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसने सर्विलांस और अन्य माध्यमों के सहारे ये जानकारी जुटाई कि उसके पति रानू गौड़ और उसकी दूसरी पत्नी खुशबू गौड़ द्वारा उन बच्चों का अपहरण किया गया है। सर्विलांस की जानकारी से और मुखबिरी से ये स्पष्ट हुआ कि वो उनको लेकर के पश्चिमी चंपारण बिहार गए हुए हैं। वहाँ पुलिस की टीम गई तो पता चला कि वो वहाँ से चल चुके हैं और ट्रेन से कहीं आने जाने की योजना बना रहे हैं। सूचना के आधार पर उनको गोरखपुर रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया, दोनों नाबालिग बच्चों को बरामद कर लिया गया है और उनको उनकी मां प्रतिमा देवी को सपोर्ट कर दिया गया है। वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।